ओम नमः शिवाय। आज हम जा रहे हैं अभी मंदिर, शिव जी के मंदिर, उनका जल अभिषेक करने। अभी सावन का महीना, तो सावन के महीने में बहुत अच्छा कहते हैं होता है अगर आप जल अभिषेक रेगुलर करते हो। भगवान भोले की कृपा रहती है आप पे, तो मैं हर सुने रेगुलर मंदिर जाते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार। सोमवार को मैं रखती हूँ शिव जी का व्रत। तो शिव जी के व्रत के लिए शाम को जो भगवान जी को भोग लेके गया, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। भगवान जी को मैं चढ़ाती हूँ चूरमे के लड्डू। ये देखिए, इसके लिए मैंने मोटी मोटी कुछ रोटियाँ बना ली थी। अब उसमें घी डाल के बहुत सारा और शक्कर डाल के उसको अच्छे से चूर लूँगी। तो ये भगवान जी को, शिव जी भगवान को चूरमे के जो लड्डू है बहुत पसंद है, और साथ में मेरे पूरे परिवार को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो उनके बहाने हमें भी प्रसाद मिल जाएगा। तो गरम रोटी, तो फ्रेंड्स चूरमे के लिए जो रोटियां बनाई थी वो गरम गरम होती हैं, तभी अच्छे से चूरा जाता है। तो थोड़ा लंबा काम रहता है, आप देख सकते हो, इसीलिए मैं ड्रॉइंग रूम में आके बैठ गई थी कि बैठ के तब आराम से इसको चूरूंगी। ये देखिए, अच्छे से इसमें खूब सारा घी डालिए, देखिए कितने अच्छे से इसके लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए, करा आज तेरे लिए स्पेशल क्या बना दिया मम्मा, पसंद है? तो ये टेबल पे दूध और क्या रखा हुआ है? चिप्स। तो तेरे को चिप्स खाना है या लड्डू? लड्डू नहीं खाएगा, मतलब खाना है। ठीक है, खा। फ्रेंड्स, तो मेरे बच्चों को ना स्वीट्स बहुत पसंद है, और आज इनके दादू आए थे, वो भी इनके लिए क्या लेके आए? पेड़े। तो इसने कहीं स्पेशल पेड़े मंगवाए हैं। तो आज मैं इनको बोल रही थी कि आज मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा, पेड़े अपनी जगह और लड्डू अपनी जगह। तो इनको मीठा इतना पसंद है।